जनपद संभल की चंदोसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित कर चाइनीज कंपनियों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की। जनपद संभल की चंदोसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित कर चाइनीज कंपनियों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की। मीटिंग आयोजित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। इस विषय में प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि 9 अगस्त को जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने चाइनीज कंपनियों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष प्रेम ग्रोवर, आज आपने मीटिंग किस संबंध में की? आज हमने चीनी कंपनियों को भारत छोड़ने के लिए ये अभियान चलाने के लिए की है। क्या है पूरा मामला? इसमें यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन दिया है कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके लिए जो चीनी कंपनियां जिन्होंने भारत पर अपना उत्पाद बेचने के लिए दबाव बनाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, हम उनको हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं। इसलिए ये अभियान कि चीनी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान चला रहे हैं। जिस तरह किसी समय भारत में गांधी जी ने चलाया था कि भारत छोड़ो अभियान, उसी तरह आज हम चीनी कंपनियों को छोड़ने का अभियान चला रहे हैं। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्रीय आह्वान पर चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। जैसे कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत गांधी जी ने की थी, उसी तरीके से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल ने चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। क्योंकि इस वक्त जो है मौजूदा हालात में चाइनीज़ कंपनियां और ख़ास तौर से चाइना हमारे हिंदुस्तान के फौजियों को अभी उसने शहीद किया, इसको लेकर और भी बहुत सी बातों को लेकर जो है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियां हिंदुस्तान में पैर पसार चुकी हैं, इसकी वजह से हमारा कारोबार जो यहाँ की लोकल कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, वो उनका कारोबार चौपट होता जा रहा है। और हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि इस चाइनीज़ कंपनियों पे पूर्णतः प्रतिबंध लगे, ताकि जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर वाला नारा दिया है उसको साकार हो सके।